ग्वालियर में उस समय हंगामा हो गया जब अनियंत्रित हुई डीएसपी की जीप ने दो ठेलों में टक्कर मारकर तीन लोगों को घायल कर दिया। मौके पर मौजूद पब्लिक ने डीएसपी को जीप से उतारकर पहले तो जमकर पीटा, फिर उसे सिर पर जूते रखकर कपड़े फाड़ दिए। जब इससे भी मन नहीं भरा तो जीप के कांच ही फोड़ डाले। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि पीटीएस सिद्धरा में पतस डीएसपी शराब के नशे में धुत थे। बाद में पुलिस ने आकर उन्हें बचाया। घायलों में नगर निगम कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। हजीरा थाना पुलिस ने जीप को जब्त कर मामला दर्ज किया है। बताया गया है कि जीप डीएसपी खुद चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक पीटीएस सिद्धरा में पदस्थ डीएसपी रामानंद मुगनिया चार पुलिसकर्मियों के साथ जीप में सवार होकर बिरला नगर से गुजर रहे थे, तभी उनकी जीप अनियंत्रित हो गई। जीप तेज रफ्तार में थी। जीप ने पहले टिक्की के ठेले में और फिर फल के ठेले में टक्कर मारी, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। उनके ठेले पर रखा सामान भी सड़कों पर बिखर गया। घटना के बाद पुलिसकर्मी तो भाग गए, लेकिन डीएसपी पब्लिक के हत्थे चढ़ गया। पुलिस अब डीएसपी को पीटने वालों पर भी कार्रवाई का मन बना रही है। जिन लोगों ने डीएसपी को पीटा, उनके सिर पर जूते रखे, उन लोगों के फुटेज पुलिस के पास भी पहुंच गई है। पुलिस उनकी पहचान कर कार्रवाई करेगी।